और इस वक्त की खास खबर आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद बनकर लौटे पूर्व महापौर नवीन जैन। नवीन जैन का रमाडा चौराहे पर हुआ जोरदार स्वागत। भाजपा कार्यकर्ताओं में एक जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। कार्यकर्ताओं ने मोदी, योगी व जय श्री राम के नारे लगाए। रमाडा चौराहे पर नवीन जैन जिंदाबाद के गूंजे नारे। नवीन जैन का गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता राकेश कन्नौजिया के साथ। जी राकेश, पूर्व महापौर नवीन जैन राज्यसभा सांसद बनकर लौटे हैं, कैसा उल्लास देखा जा रहा है? देखिए आरुषि, मैं आपको बता दूं कि जबरा उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर दिखाई दिया। नवीन जैन जैसे ही रमाडा चौराहे पर पहुंचे, क्योंकि काफिला दिल्ली से और लखनऊ से उनके साथ चलाया, लेकिन रमाडा चौराहे पर पूरा इंतजाम था, हजारों कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद थे और जय श्री राम के नारे, नवीन जैन जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे और उसके बाद जगम ज्योति के साथ फूल मालाओं से उनको लाद दिया गया। काफी उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर दिखाई दे रहा था, ऐसा उत्साह के जैसे नवीन जैन वास्तव में लोकप्रिय है और जो कार्यकर्ता है और जो नेता है उनमें खासे लोकप्रिय नवीन जैन है और यही वजह थी कि उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ पड़ा। जी राकेश, राज्यसभा सांसद बनने पर नवीन जैन की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, नवीन का क्या कहना है? देखिए नवीन जैन जो मैं आपको बता दूंगी, संघ के स्वयं सेवक नवीन जैन थे, राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के स्वयं सेवक थे और उसके बाद जो उन्होंने अपना सफर शुरू किया स्वयं सेवा संघ से, वार्ड के युवा मोर्चा वार्ड के उपाध्यक्ष, वो मोतीगंज क्षेत्र में पहले वो रहा करते थे, वहीं पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के वार्ड के अध्यक्ष थे। युवा मोर्चा मतलब सबसे छोटी इकाई ये मानी जाती है और इस युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। उसके बाद पार्षद का चुनाव लड़ा, दो बार नवीन जैन पार्षद का चुनाव लड़ते हैं, दोनों बार जाते हैं, उसके बाद महापौर बन जाते हैं। अब देखिए युवा मोर्चा का जो अध्यक्ष था वो पार्षद बनता है, पार्षद बनने के बाद आगरा का महापौर बन जाता है। तो इस तरीके से महापौर के रूप में नवीन जैन ने आगरा का विकास किया, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में छाया हुआ है और यही वजह है लोग पसंद करते हैं। और उसके बाद आप देखिए कि राज्यसभा सांसद बन जाते हैं। एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने जो युवा मोर्चा का अध्यक्ष था उसको राज्यसभा तक पहुंचा दिया और नवीन जैन यही कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती है, कार्यकर्ताओं को हमेशा कर्तव्य निष्ठा, मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करते रहना चाहिए, व्यक्ति पर पार्टी की नजर रहती है और पार्टी देखती है, भारतीय जनता पार्टी इस बात को देखती है कि कौन सा कार्यकर्ता कितनी मेहनत के साथ काम कर रहा है। तमाम सारे उदाहरण राज्यसभा सांसद बने नवीन जैन ने, ये उन्होंने राजस्थान का उदाहरण दिया, ऐसे तमाम सारे उदाहरण के अंदर दिए गए कि कार्यकर्ताओं को पार्टी किस तरीके से लेकर रखना था कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, जिस तेजी से भारतीय जनता पार्टी लोगों में लोकप्रिय हो रहा है, था कि राजनीति में जो गुंडा तत्व घुसे हुए थे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी गुंडा तत्व को हटाने का काम किया है। काफी हद तक गुंडे जो राजनीति में रहते थे उनका यहाँ तक कहना था कि विधानसभा में भी रहते थे, लोकसभा में भी रहते थे, और लेकिन जो नवीन भारतीय जनता पार्टी है उनके द्वारा कहीं ना कहीं जो स्वच्छ राजनीति है उस स्वच्छ राजनीति के रूप में आप देख सकते हैं कि लगातार जो कार्यकर्ता है वो आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्वच्छ राजनीति देश को दी, ऐसा नवीन जैन का था और सैलाब एकदम दिखाई दे रहा है। जी राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस समस्त जानकारी के लिए। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद बनकर लौटे पूर्व महापौर नवीन जैन। नवीन जैन का रमाडा चौराहे पर जोरदार स्वागत हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह दिखाई दिया। कार्यकर्ताओं ने मोदी, योगी व जय श्री राम के नारे लगाए। नवीन जैन का स्वागत करने वालों की भीड़ उमड़ रही है। नवीन ने पार्षद से राज्यसभा तक का सफर तय किया। आपको एक बार फिर बता दें कि राज्यसभा सांसद बनकर लौटे हैं पूर्व महापौर नवीन जैन।